दोस्तों क्या आप जानते हो वानखेड़े स्टेडियम को साल 1974 में स्थापित किया गया था। दोस्तों वानखेड़े स्टेडियम दर्शकों को बैठने के मामले में भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है। दोस्तों आजकल यहां 33,000 लोग लाइव मैच का मजा ले सकते हैं। पहले यहाँ की कैपेसिटी 45,000 थी। वानखेड़े स्टेडियम का नाम राजनेता शेषराव कृष्णराव वानखेड़े के नाम पर रखा गया है, जो एक बेहतरीन क्रिकेट प्रबंधक थे। और दोस्तों रवि शास्त्री ने बड़ौदा के गेंदबाज तिलक राज को 6 गेंदों में 6 छक्के इसी मैदान पर मारे थे। इन छक्कों की मदद से रवि शास्त्री ने साल 84 में सबसे तेज शतक बनाया था। दोस्तों समंदर के नजदीक होने की वजह से इस मैदान की पिच का मिजाज समय समय में बदलता है, जो कभी स्पिन तो कभी स्विंग गेंदबाजों के लिए मददगार बन जाता है। दोस्तों 1998 में भारत ने इस स्टेडियम पर बांग्लादेश को 115 रनों पर ऑल आउट किया था। दोस्तों अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करना। थैंक यू सो मच।